हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। तापसी पन्नू की आने वाली मूवी रश्मि रॉकेट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें एक जेंडर टेस्टिंग की बात कही गई है। आज से पहले किसी ने भी इसके बारे में शायद ही सुना होगा या फिर इससे जुड़ा एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में शायद ही देखा होगा, और जब आप भी इससे जुड़े फैक्ट्स जानेंगे तो आपको भी उतना ही आश्चर्य होगा। हमारे देश में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं उन खिलाड़ियों के जो बेहद प्रतिभावान थे, कई मेडल्स के विजेता थे, पर उन्हें बाद में ह्यूमिलेट कर हटा दिया गया इस जेंडर टेस्टिंग के आधार पर। तो चलिए जानते हैं पूरी बात। ओलंपिक पहले सिर्फ मर्दों का खेल था। किनिस्का एक स्पार्टन प्रिंसेस थी जो एक पहली औरत बनी जिन्होंने ओलंपिक में चार घोड़ों के रथ के रेस में हिस्सा लिया और वो जीती भी। उस वक्त औरतों का ओलंपिक को देखा जाना भी मौत को दावत देना था और औरतें इतनी नाजुक समझी जाती थी कि उन्हें स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल माना ही नहीं जाता था, और उसमें भी मर्दों के साथ, तो वो बात भूल ही जाइए। लेकिन किनिस्का ने यह साबित कर दिया कि वो मर्दों के रेस में भी खड़ी हो सकती हैं और जीत भी सकती हैं। फिर उसके बाद कई ऐसे स्पोर्ट्स हुए जिसमें महिलाओं ने भाग लिया और वो कॉम्पिटिटिव रही। 1900 में पेरिस में पहली बार महिला एथलीट ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। फिर औरतों और मर्दों की अलग अलग कैटेगरी बनी और स्पोर्ट्स में टाइप भी बढ़ने लगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स को पहले जेंडर के आधार पर कैटेगराइज किया गया, फिर स्टेमिना के आधार पर और फिर स्किल्स के आधार पर। जैसा कि कुछ स्पोर्ट्स को खिलाड़ियों के वेट के आधार पर कैटेगराइज किया गया तो कुछ को उम्र के आधार पर, ताकि उसमें भाग लेने वाले हर किसी के साथ जस्टिस हो। ये सभी जानते हैं कि कुछ औरतें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं और फिजिकली आदमी से कॉम्पीट कर सकती हैं, पर नेचर ने दोनों को अलग अलग बनाया है। दोनों बायोलॉजिकल और फिजिकल बेसिस पर काफ़ी अलग अलग होते हैं और ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इस बात का ध्यान रखा गया। हालांकि इसे एक और बेहतर पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय औरतों को अब भी स्पोर्ट्स में लेस कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से ही देखा जाता है। लेकिन ये चीज़ और कन्फ्यूजिंग और अगली तब हो गई जब इसमें सेक्स वेरिफिकेशन या कहें जेंडर टेस्टिंग वाली चीज़ आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आदमी और औरत दो टाइप के जेंडर्स हैं और ये तो देखकर पता चल ही जाता है कि कौन आदमी है कौन औरत है, फिर इसमें और क्या जानना होता है। दरअसल ओलंपिक और कई स्पोर्ट्स में यह मुद्दा बार बार उठा कि कुछ मेल एथलीट औरत बनकर फीमेल कंपटीशन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं, या फिर वो औरतें जो कि इंटरसेक्स यानी कि मध्यलिंगल की स्थिति में है वो इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं। इंटरसेक्स के एग्जाम्पल में आप हिजड़ों को ले सकते हैं। तो 1950 में IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा औरतों के लिए सेक्स टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया, जहां सिर्फ फिजिकल बॉडी चेकअप होता था शुरू में। सभी एथलीट्स को उनके देश में टेस्ट किया गया। दरअसल यूरोपियन चैंपियनशिप में यह शक था कि सोवियत यूनियन या ईस्टर्न यूरोप में जितनी बेहतरीन महिला एथलीट्स हैं वो आदमी भी हो सकते हैं। अब तक यह टेस्ट ओलंपिक में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। 1968 में इस टेस्ट को ओलंपिक में भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अब यह टेस्ट फिजिकल बॉडी चेकअप तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह हार्मोनल टेस्ट के लेवल पर चला गया था। यहाँ कई अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल लेवल्स पर टेस्ट किए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी और जिसे जानकर आप भी काफी चौंक जाएंगे। यह तरीका बहुत ही अगली रूप था किसी भी एथलीट को वेरीफाई करने का। इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन से या किसी के एबनॉर्मल हार्मोन लेवल के बेसिस पर जज करने से खिलाड़ियों के सामाजिक पहचान या लिंग की निजता या किसी प्रकार का अपमानजनक परिस्थिति का संकट खड़ा हो सकता था, जो ना केवल उन्हें डिप्रेशन में बल्कि आत्महत्या तक की तरफ ले जा सकता था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि यह टेस्ट एक फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए किया जाता था, जो कि फिर भी ठीक था, पर बाद में इसमें क्रोमोजोम टेस्टिंग और टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच भी शामिल हो गई। अब जानते हैं क्रोमोजोम टेस्टिंग क्या होता है। दरअसल आदमी में एक्स और वाई दो टाइप्स के क्रोमोजोम्स होते हैं। वाई क्रोमोजोम उन्हें पिता बनने में मदद करते हैं, जबकि औरतों में केवल दो एक्स क्रोमोजोम्स पेयर में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ औरतों में वाई क्रोमोजोम भी पाए जाते हैं जो कि हिडन होते हैं। आशंका ये थी कि ये वाई क्रोमोजोम उन फीमेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन में या तो चेंजेस लाते होंगे या उनमें थोड़ा सा मैस्कुलिन पावर या फिजिकल आइडेंटिटी लाते होंगे, यानी कि उन्हें थोड़ा सा पुरुष बनाते होंगे। पर कई स्टडीज में उन रेयर औरतों में नॉर्मल वेजाइना, ओवरीज या फीमेल ऑर्गन पाए गए और उनका ब्रेन भी एक नॉर्मल फीमेल की तरह फंक्शन करता देखा गया। हालांकि कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी या फिर ट्यूमर्स की सिचुएशन भी देखी गई। पर आप आदमी हैं या औरत, यह फिजिकल चेंजेस से ज़्यादा आपके दिमाग से तय होता है, और अगर आप इन रेयर कंडीशन में भी हैं तो आपका दिमाग ही आपकी स्टेमिना भी तय करता है, और यह भी कि आप आदमी हैं या औरत। ये टेस्ट ना केवल किसी की पहचान करने का गलत तरीका है बल्कि उसकी मानसिक अवस्था के साथ खिलवाड़ भी है। दूसरा टेस्ट था टेस्टोस्टेरोन का लेवल जांचना।
टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जिसका लेवल ये तय करता है कि मेल की सेक्सुअल डेवलपमेंट और फंक्शंस ठीक से हो रहे हैं या नहीं। ये एक लड़का को आदमी जैसे फीचर्स लाने में मदद करता है। यह औरतों की ओवरीज में भी होता है पर बेहद कम मात्रा में। औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं जो कि उन्हें डेवलप होने में मदद करते हैं। औरतों में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, गंजापन, शरीर या चेहरे पर नॉर्मल औरतों से अधिक बाल होना, आवाज़ का भारी होना या वजन बढ़ना। ये हार्मोनल चेंज एक डिसऑर्डर है जो कि कई कारणों से होता है, लेकिन किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं कहा गया है कि इससे औरतों की क्षमता एक मेल जितनी हो जाती है, बल्कि उनके बॉडी के कुछ सिम्टम्स चेंज होते हैं जो कि एक डिजीज़ की तरह होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई और हार्मोनल डिजीज़। इस बात पर ओलंपिक या स्पोर्ट्स में भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि इस बेसिस पर किसी भी फीमेल एथलीट्स को जज करना गलत होगा। ये टेस्ट फीमेल एथलीट्स के लिए एक भयानक सपने की तरह हो गया, जबकि मेल एथलीट्स के लिए ऐसे किसी भी तरह के टेस्ट का प्रावधान नहीं था। 20वीं सदी में स्टेला वॉल्स, डोरा रबजेन जैसे गोल्ड मेडलिस्ट टेस्ट में या मरने के बाद इंटरसेक्स की कैटेगरी में पाए गए, जबकि उन्होंने कई मेडल्स वुमेन स्पोर्ट्स में जीता था। वहीं फोइगजे डायलेमा, तमारा और इरीना प्रेस जैसी खिलाड़ियों में वाई क्रोमोजोम या हाई लेवल का टेस्टोस्टेरोन पाया गया। ये सब भी गोल्ड मेडल विनर्स थे और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से थे। 1986 में एक स्पेनिश खिलाड़ी मारिया जोस को क्रोमोजोम टेस्ट में फेल होने पर काफ़ी ह्यूमिलेट किया गया था, पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और 2 साल बाद उन्हें फिर से खेलने का मौका मिला। इस टेस्ट में फेल होने वाली खिलाड़ियों में भारत की भी कई महिला खिलाड़ी शामिल है। उनमें से एक मिडिल डिस्टेंस रनर शांति सुंदर राजन है, जिसका टेस्ट में फेल होने के बाद उनका पदक छीन लिया गया था। ये साल 2006 में एशियन गेम में हुआ था, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2012 में भारतीय ट्रैक एथलीट पिंकी प्रमाणिक पर उनके रूममेट द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था। बाद में जब उनका जेंडर टेस्ट हुआ तो उन्हें एक मेल माना गया, पर इस पे मेडिकल एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय थी। बाद में कोर्ट ने क्रोमोजोम टेस्ट के आदेश दिए थे। 2014 में एक महिला धावक ड्यूटी चांद कॉमनवेल्थ गेम में कुछ मिनट पहले इस टेस्ट से गुजरी और उन्हें बढ़े टेस्टेरॉन लेवल के कारण आखिरी पल में गेम से हटा दिया गया। चांद ने इस ह्यूमिलेशन के बाद कोर्ट से मदद मांगी। 2016 में चांद को 100 मीटर की रेस के लिए क्वालिफाई माना गया। साथ में यह भी फैसला किया गया कि IOC हाई लेवल ऑफ टेस्टेस्ट्रॉन को महिला खिलाड़ियों पर नहीं थोपेगा, उन्हें गेम से बाहर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बाद में यह रूल बना कि उन ट्रांसजेंडर एथलीट को कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा फीमेल कैटेगरी में जो तय किए गए टेस्टोस्टेरोन लेवल पे फिट बैठते हैं। अगर ये ट्रांसजेंडर्स मेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। हालांकि इस नियम से पहले कुछ एथलीटों ने ह्यूमिलेशन से आत्महत्या कर ली थी, कुछ ने जेंडर चेंज करवा लिया था और कुछ ने कानूनी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की। अब ये देखना है कि रस्मी रॉकेट में इस फैक्ट का कौन सा पहलू दिखाया जाता है। वैसे यह मुद्दा बेहद दिलचस्प है और अब तक लोगों के नॉलेज से बाहर था, इसलिए उम्मीद है कि दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन या नाम लेने में कहीं गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।